हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से जुड़ी हुई या गल्फ से जुड़ी हुई हर अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर खबर से, क्योंकि लोग घर से बाहर रहता है तो सोचता है कि जहां मैं हूं वहां की जो खबर है मुझे पता चले। तो यही वजह से जितने सारे यूट्यूबर हैं वो अपडेट देता रहता है, डेली का कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है वो अपने चैनल पे अपलोड करता है। जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह हर कोई करता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर खबर, हर न्यूज आपको आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और आसान भाषा में हम लोग जो न्यूज होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश में होता है या कहीं कहीं बहुत ही टफ हिंदी होता है। तो इस वजह से आसान भाषा में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर है उन तक अपनी खबर को या अपनी जो बात है उन तक पहुंचा सके। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और आज की जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि अपडेट कुछ इस तरह है कि 2800 जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, और इंडिया से जो कोरोना के मामले दोस्तों इस पर भी हम बता देंगे आपको, और जो एयर इंडिया ने ऑफर दिया है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एयर इंडिया की एक ऑफर है। एयर इंडिया का कहना है किसी का अगर टिकट बुक हो चुका है और वो किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो अपना अगर डेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक बार बढ़ा सकते हैं, वो भी 48 घंटा या 50 घंटा पहले। एक बार, दूसरी बार नहीं, एक बार। आप मान लीजिए अगर किसी का हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, या कोरोना को लेकर के आप कोरोना संक्रमित हो गए, या ऐसा कोई भी मामला है जिसकी वजह से आप बढ़ा सकते हैं एक बार 48 घंटा या 50 घंटा पहले। दूसरी अपडेट है दोस्तों कि 2800 फ्लाइट जो कैंसिल हुई है, कल जो हुआ था कैंसिल, और आने वाले दिनों में भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अभी जो हालात है, एक तो कोरोना को लेकर के कैंसिल हो रहा है, दूसरा जो फॉग है जिसको धुंध बोला जाता है, या कई जगह उसको कई तरह नाम से बोला जाते हैं, धुंध बोलते हैं, और जो बारिश है, बारिश की वजह से भी कैंसिल हुआ है, और ठंडी की वजह से भी कैंसिल हुआ है। चूंकि आसमान में साफ बादल नहीं था, इस वजह से फ्लाइट 2800 फ्लाइट कैंसिल हुआ है, और कोरोना को लेकर भी कई सारे फ्लाइट कैंसिल हुआ है, जो गाइडलाइन है उसको लेकर के कैंसिल कर दिया है कई सारे फ्लाइट। तीसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों इंडिया में जो कोरोना के हालात है दोस्तों दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया दोस्तों इंडिया में 2,58,000 कुछ कोरोना नया रिकॉर्ड किया गया, बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। 2,00,000 आदमी एक दिन में अगर कोरोना संक्रमित होगा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे डरने की जरूरत है, लोगों को एक दूसरे से अलग रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, लोग समझते नहीं है पता नहीं क्यों। तो ये कुछ आज 24 घंटे का रिकॉर्ड है दोस्तों इंडिया में का बात बोल रहा हूँ दोस्तों। और जो सक्रिय है अभी जो 16,00,000 लोग सक्रिय है कोरोना संक्रमित, ऑलरेडी हॉस्पिटल में है या कहीं क्वारंटाइन है, 16,00,000 है, और 385 लोगों की मौत हुई दोस्तों। ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी जो अंदरूनी होगा वो कहीं और होगा, 500-600 की मौत हुई होगी, लेकिन ये जो सरकारी आंकड़े आते हैं वो कुछ ना कुछ कटौती करके ही आता है। तो ये सब कुछ अपडेट था दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।